तो गाइस आज का शुरुआत होता है ई रिक्शा से। सो बेसिकली आज रीशु भैया का बर्थडे था और इस दिन मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब था, तो इसीलिए हम पूरे व्लॉग में डबिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग ई रिक्शा से जा रहे थे और रीशु भैया बोल रहा था कि मेरे को मत दिखाओ, मतलब ई रिक्शा में अजीब लग रहा था। बोले फट पगला। और यहाँ पर हम लोग डोमिनोज के बाहर देखें, जो आप भी देख लीजिए क्या देखें। और यहाँ पे मेला लगा हुआ था सिटी में, बेसिकली फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड मेला लगा है। एंड हम लोग ट्रेन के बाहर जाम में फंसे रहे थे, बेसिकली हम लोग जा रहे थे होटल फॉर द पार्टी। एंड यहाँ पे वो मेला लगा है, छोटे से ग्राउंड में लगा था, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। और हम लोग जैसे तैसे करके ये जाम किए क्रॉस। और ये यहाँ का बहुत फेमस लोगो है एंड वो दिखाए। फिर हम लोग बढ़े गए होटल की ओर। फर्स्ट देखो होटल का प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे से कर नहीं पाते, हम बहुत सारे शब्द का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते, दैट डजंट मीन कि हम गवार हैं। फाइनली हम पहुँचे होटल केएस एंड हम लोग उतर के जाते हैं। यीशु भैया बोला कि मेरा ढंग का थोड़ा शॉट लेना, तो यहाँ पे वो अनफॉर्चुनेटली मतलब कोइंसिडेंस था कि इसका फ़ोन आ गया था, एकदम क्लासी सा शॉट आया। और इसका एंट्री करते हुए हमको तो लेना ही था, तो हम लोग पहुंच जाते हैं होटल। यहाँ का एम्बियंस ब्रो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग सिटी में, लाइक सिटी में हम लोग आए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, हम मिक्की जी भी आई थी। एंड फिर थोड़ा सा दिखा दिए, ये हमेशा की तरह दुखी आत्मा, पढ़ाई को लेकर चिंतित, बाकी सब फ़ोन में बिजी थे क्योंकि मतलब डिसाइड कर रहे थे क्या खाना है। रीशु भैया कर रहा था, बाकी सब फ़ोन देख रहे थे। ये है मेन्यू प्लेट, मेन्यू प्लेट जो भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है, लग प्रोजेक्ट की तरह रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे और मेन्यू में हम एक ऐसा चीज़ देखे, अभी आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आलू हमारी पसंद आपकी, क्या सब्जी का नाम है ब्रो, मतलब कुछ भी। एंड फिर यहाँ पे था, ये ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, वो था बट बावर्ची वेजिटेरियन क्लब सैंडविच, मतलब क्या ही छोड़ो। एंड फिर यहाँ पीयू और अंशी आई थी, वी नो कि ये लड़के आएगी। एंड आप खुद सुनो, देखिए देखिए। देन फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बहुत सुंदर मिरर था, हम सोचे कि फ़ोटो लेंगे बट ले नहीं पाए। फिर सीट चेंज हो गया हमारा क्योंकि वो बुक्ड था। तो सबसे पहले आता है सूप, जो कि था भाई इतना स्वादिष्ट सूप था, जिसके साथ ये भी आया था कि मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का सब खाना। फिर आया लॉलीपॉप, मतलब सब इतना बड़ा लॉलीपॉप हम पहली बार खाए थे वैसे। फिर बेबी चिली कॉर्न, पनीर कुरकुरे एंड सारा स्टार्टर करके डन। सब लोग यहाँ सब स्टार्टर खा चुके थे। एंड यहाँ पे महावीर मंदिर था, हम लोग सीट चेंज करके जहाँ आए थे तो वहाँ पे महावीर मंदिर था, तो हम बोले इसको भी ले लेते हैं। एंड सारा स्टार्टर करके डन, हम लोग खड़े हो गए केक कटिंग के लिए। तो केक कटिंग के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मेन कोर्स का। मेरा बहुत ज़्यादा आदत हो गया आजकल ये सब करने का, तो अभी भी सब फ़ोन ही में थे वैसे। एंड यहाँ पे प्लेट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, यहाँ मिक्की दी, पीयू, अंशी, संटू पापा, आंटी, मोना बुआ, मिन्शी तो खाने टाइम इतना परेशान किया। एंड यहाँ हम और ऋषभ दोनों ट्विनिंग कर रहे थे कोइंसिडेंसली। एंड यहाँ पे आता है पटियाला चिकन आई गेस, जो कि मेरे को अच्छा लगा नहीं। एंड फिर यहाँ पे मेरा प्लेट सज रहा था, तो बेसिकली हमको ये मेन कोर्स उतना खास नहीं लगा, बट उसका जो स्टार्टर था और जो ड्रिंक था वो नेक्स्ट लेवल था। फिर हम किए इंजॉय अपना खाना, फिर धोए अपना हाथ एंड इंतज़ार कर रहे थे अब अपने डेजर्ट के लिए। बट और यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि कैमरा रखना कैसे, क्योंकि हमको मिन्शी को दिखाना था। तो सर्दी भी था इसीलिए हम डबिंग कर रहे हैं। एंड फिर फाइनली मेरा कैमरा हो जाता है सेट
हाँ देख लीजिए आप, मिन्सी मेरे गोद में खेल रही थी क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मोना बाप। एंड यहाँ पे हम लोग मंगाते हैं ड्रिंक। तो बेसिकली ड्रिंक में ना वो लाके बार बार हम ये साइन दिखा रहे गाइस, बार बार। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे ड्रिंक का। तो ड्रिंक का इंतजार करते करते फाइनली आ जाता है ड्रिंक और ये सर्व हो गया, सबको सर्व हो गया। हम स्टार्ट भी करने वाले थे, तो हम जैसे स्टार्ट करने वाले थे वैसे बोला कि मैम इसको वापस ले जाना पड़ेगा, इसमें कुछ मिसिंग है। तो फिर वापस वो मुंह से गया, फिर वो लोग लेके गए एंड फिर वो लोग वापस ला के दिए। इसमें बस कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं था, बट वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो बोले अच्छा ग्रीन कलर मिला के लाए हो। तो ये मुझे तो इतना टेस्टी था, मतलब इसमें गन्ने का जूस का स्वाद आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा यम था, मतलब यम है हम, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा खट्टा लगा, बट जो भी था मस्त था। देखो मेरा रिएक्शन आप लोग देख लो, ठीक ही था रिएक्शन, का खास नहीं था वैसे जितना टेस्ट ये था। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट तक पी रही थी आंटी एंड फिर हम लोग चल करके चाचा और बाय बाय निकल जाते हैं घर की ओर। एंड यहाँ पे होता है थोड़ा सा मजाक जो कि आप खुद ही सुन लो। मर्सिडीज ऑडी ऑडी निकलवा लो। अच्छा सब्जी लाने गया है, मर्सिडीज से काम चला लेते हैं, छोड़ो ई रिक्शा बुलवा लो। एंड फिर हम लोग बैठ जाते हैं ये देखिए गाइस आ गया यहाँ पर, अब इसी के पीछे मेरा काम है क्या नहीं अच्छा है। एंड यहाँ पे हम मंशी और आंटी तीनों एक सीट पे बैठे हुए थे। एंड ऐसे ही करते करते हम पहुँच जाते हैं। बेसिकली मेरा गला इस दिन भी ख़राब है और आज भी ख़राब है जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। एंड ये था मेला जो कि बंद हो चुका था, नहीं तो हम लोग जाते, गेट बंद था एंट्री। एंड यहाँ पे बिग बाजार, ट्रेंड्स, डोमिनो सब लाइन से है। सो फाइनली इस तरीके से पहुँच गए हम घर। बर्थडे गया बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरा नहीं रिशु भैया का, ठीक इसके एक हफ्ता बाद आता है मेरा बर्थडे। एंड यहाँ पे खोल रहा था रिशु भैया गेट। एंड फाइनली करते हैं हम लोग एंट्री। एंट्री नीचे से बैठ के लेट कर खोले रहा है, इतना भी लंबा नहीं खोलो। हो। हाँ खुला, तो चलो चलते हैं अंदर। ओके गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक एक शेयर केक तो सब्सक्राइब एंड भाई कमेंट। बहुत एंड सॉरी टेस्टी फॉर केक था। द वॉइस ओवर गाइस, आगे के ब्लॉग में नहीं होगा। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय।